हम जानेंगे कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। जी हाँ, 104 साल पहले इंसानों की मांग पर हाथी को दी गई थी फांसी। इंसानों को फांसी की सजा सुनाने में सालों बीत जाते हैं और यहाँ हाथी को दे दी गई थी फांसी। यह घटना 13 सितंबर 1916 की है, जब अमेरिका के टेनेसी राज्य में 2000 से ज्यादा लोगों के सामने मैरी नाम की हथनी को फांसी पर लटकाया गया था। दरअसल चार्ली स्पार्क नाम का एक व्यक्ति टेनेसी में स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो नाम का एक सर्कस चलाता था, जिसमें बहुत से जानवर थे, और एक दिन मैरी के केयर टेकर ने सर्कस छोड़ दिया। अब मैरी शो का बहुत अहम हिस्सा थी, तो मैरी के लिए एक नया केयर टेकर रखा गया। अब मैरी अपने नए केयर टेकर के साथ अच्छी तरह घुली मिली नहीं थी, और नया केयर टेकर भी मैरी को उतनी अच्छी तरह जानता नहीं था। एक दिन शहर में परेड निकाली गई, जिसमें मैरी और बहुत से जानवर ने हिस्सा लिया। अब परेड के दौरान मैरी को कुछ खाने की चीज़ दिखाई दी और मैरी वहाँ भागने लगी। अब मैरी के केयर टेकर को उसे संभालने में परेशानी होने लगी, तो मैरी को रोकने के लिए उसके केयर टेकर ने मैरी के कान पर भाला मारा, जिससे हाथी को गुस्सा आया और वो गुस्से से तिलमिला उठी। गुस्से में उसने अपने केयर टेकर को नीचे गिरा दिया और अपने पैरों तले कुचल दिया, जिस वजह से उसके केयर टेकर की मौत हो गई। वहाँ खड़े सारे लोगों में भगदड़ मच गई और कुछ लोगों ने तो नारे लगाने भी शुरू कर दिए कि हाथी को मार दिया जाए। अब अगले ही दिन न्यूज़पेपर में इस घटना को खास तौर पर जगह दी गई। शहर के ज़्यादातर लोग सर्कस के मालिक चार्ली स्पार्क से मैरी को मृत्युदंड देने की मांग करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो शहर में फिर कभी सर्कस नहीं होने देंगे। कई लोगों ने हाथी को ट्रेन से कुचलवा के मारने के लिए कहा, तो कईयों ने हाथी को करंट के जरिए मौत के घाट उतारने की बात कही। अब ऐसे में लोगों की जिद के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े और हाथी को फांसी की सजा सुनाई गई। आखिरकार 13 सितंबर 1916 को क्रेन की मदद से हाथी को हजारों लोगों के बीच फांसी पर लटकाया गया। कहा जाता है कि हाथी को एक बार लटकाए जाने पर रस्सी टूट गई थी और हाथी ने 20 फीट से नीचे गिरी और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, लेकिन फिर भी वहां खड़े 2000 लोगों में से किसी के भी आंसू नहीं निकले, किसी को भी कोई दुख नहीं हुआ, किसी को भी कोई दया नहीं आई। फिर आखिरकार हाथी को एक बार फिर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और हाथी ने अपना दम तोड़ दिया। इस घटना को इतिहास में जानवरों के प्रति इंसान की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अगर जानवर के पास इतना दिमाग होता तो वो जानवर क्यों होता? किसी को हम जब सुख नहीं दे सकते तो उसे दुख देने का हमें कोई हक नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बढ़िया से बनाए रखिए, जानवरों के जितने हो सके मदद कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अलविदा लेती हूँ आप सभी से, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।